यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में दो पक्षों के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने जमकर फायरिंग की तो दूसरे पक्ष के गुस्साए लोगों ने दो युवकों के गोली लगने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों की कार को बुरी तरह से तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार को क्षतिग्रस्त करने के लिए गांव से जेसीबी मंगवाई गई। हालांकि मौके से गोली चलाने वाले युवक भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये तिगरा गाँव के 5-7 बदमाश टाइप के लड़के हैं जी, उन्होंने आतंक मचाया हुआ है। यूपी में के यूपी की पुलिस ने भी उनके ऊपर आंसुका लगाया था, जमानत हो के अभी थोड़े दिन पहले वो जमानत हो के आए। एक बार पहले गांव में आके गोली चला के और मर्डर उन्होंने कर दिया। बदमाश टाइप के लड़के हैं और जिसको देखते हैं उसी को ही मारपीट देते हैं। किसी के बाँह काट दी, किसी की टांग काट दी, मर्डर कर दिया। आज क्या हुआ? आज मेरे भाई के ऊपर और मेरे लड़के के ऊपर, उनके दोनों के ऊपर गोली चलाई। मेरे भाई के भी दोनों टांगों में गोली मारी है और मेरे लड़के की टांग में गोली लगी है। कैसी गोली? तो एक बार कहीं मेरे लड़के के साथ काफ़ी पहले पढ़ते हुए टाइम में इनका कोई झगड़ा हो गया था और उस झगड़े के चक्कर में एक बार पहले गोली चला गया और आज फिर गोली मारी। आज तो उन्होंने करी दिया काम उसका। अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये कालगढ़ से जो कमालपुर टापू को सड़क जाती है वहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा हो गया है तो और गोली चली है। दो व्यक्तियों को गोली लगी है तो अभी मौके पर आए थे तो मौके पर आके अभी देखा था गाड़ी खड़ी है और कोई लड़ाई झगड़े के कोई डंडे वगैरह पड़े हैं, खोल मिला है। तो अभी यहाँ से अपना ये जांच करके और आगे जैसे भी कोई बर्खास्त वगैरह होगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ पता चला? गोली चलाने वाले कोई टिकरा गांव के लड़के हैं तो उन्होंने चलाई है। कोई विवाद चला? कारण नहीं अभी पता चला क्या कारण है। अभी कंप्लेंट रहेगा तो पता चलेगा कि क्या कारण था। सर जी कार को देखते हुए बस कोई लग रहा है जैसे इसको कार को जैसे कि किसी ने की तोड़ किसी चीज से तोड़ी हो। ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा इसका तो अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा क्या मैटर है।